ऋषभ को दुख देकर तुम्हें सुकून मिलता है। दर्द देने का मौका ढूंढते ही तुम दोनों एक दूसरे पर मंडराते रहते हो, एक दूसरे के जज्बे को खरोचते रहते हो। इससे तो ज्यादा अच्छा होता कि तुम दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते। संभालो अपने आप को मेधा, और ऋषभ को भी संभलने दो। ओके ठीक है, अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं आपको जोर भी नहीं दे सकता हूँ। इट्स फाइन, दैट्स ओके विद मी। लेकिन अगर किसी ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जिसकी वजह से आप मजबूर हैं मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। कल ही हम कोर्ट जाकर अपनी शादी रजिस्टर कर देंगे। बहन, इतनी ज्यादा खुशियां इस रात के सामने नहीं समझेंगी। शराफत से वो ओरिजिनल बिल मेरे हवाले। अरे बिल क्या लगा रखा तुमने जब से आया तब से? कहां से उठा के लाए इस आदमी को? अगर तुम बिल नहीं दोगे तो क्या वो एहो से समेत? आज तक हम बहुत सोच समझ कर काम किया, लेकिन अब एक बार अपने ये दिल का बात मानकर उसकी राह पर चल के देख ले। शंकर, क्या हालत बना रखा है शंकर? शराब में धुत? मैम साहब सॉरी, गुड आफ्टरनून। मैंने बहुत कम पिया आज, थोड़ा से बहुत। सॉरी मैम साहब, सॉरी। करण साहब तुमको इस हालत में देखेंगे ना तो नौकरी से निकाल देंगे। निकाल देंगे क्या मेरे को? फेंक दे, निकाल दिया मेरे को। मैं सड़क पे दिखे ना, करण साहब मेरे को निकाल दिया। क्यों? तुम गाड़ी तो अच्छा चला रहा था ना? अरे क्या है ना, अपने लाइफ का एक्सीडेंट हो गया मैम साहब। क्या हुआ तुम्हारी लाइफ को? क्या ना, अपन ने भी शाना कौवा की तरह गू खा लिया। वो एक दिनेश शाह साहब है, आप नहीं जानती है उनको। उसके साथ अपन ने वफादारी कर ली उसके साथ। अभी क्या, अपने करण साहब के घर से अपन ने वो केशव साहब के वसीयत का कॉपी बना डाला। अब बना के अपन ने दिनेश शाह को भेज डाला। अभी मैं गया था, अभी उधर ही से आ रहा हूँ। मैं गया पैसा मांगने, मेरे को उसने भी पैसा नहीं दिया। करण साहब को मालूम पड़ा, वो मेरे को हकाल दिया। देखो मेरा क्या हाल बना दिया। लेकिन मैम साहब, मैं दिनेश शाह को छोड़ने वाला नहीं। मेरे आंटी में ऐसी खबर है कि अगर वो खबर अपनी मार्केट में आए तो दिनेश शाह को बहुत भारी पड़ने वाला है। कैसी खबर है शंकर? हाय रक्षंदा, हाउ आर यू? जानती हो मैं अब इंटरव्यू के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। दो दिन बाद इंटरव्यू है, नतीजा बहुत ही जल्द सामने आ जाएगा। क्या बात है रक्षंदा, तुम कुछ खामोश हो, कोई परेशानी? ऋषभ मैं तुमसे एक पर्सनल बात करना चाहती हूँ। रियली? एक राज की बात मैं तुम्हें बताऊं? देखो जब तुम मुझसे प्रोफेशनल बातें करती हो ना तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब तुम मेरे साथ पर्सनल बातें करती हो ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बोलो ना रक्षंदा, क्या बात है? ऋषभ, रंजना देवी की तबीयत काफी खराब है। क्या, माँ की तबीयत खराब है? लेकिन कब से रक्षंदा? मुझे बस अभी पता चला। मुझे अभी तक नहीं पता चला। ऋषभ, कभी कभार तुम्हें अपनों का पता खुद पता लगाना चाहिए। रक्षंदा, अगर इन हालात में भी उन्हें मेरी जरूरत नहीं है तो ना सही,
और मैं वहां जाकर कर भी क्या लूंगा? ऋषभ, तुम्हें उनके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। अरे मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? इस बात का एहसास तो मुझे 24 घंटे दिलाती रहती, लेकिन तुम्हारे और दोस्तों को क्या करना चाहिए? उनको जाकर कभी कुछ नहीं कहती, क्यों? ऋषभ, तुम्हें अपनी माँ की जिम्मेदारी खुद अपनानी चाहिए। क्या रंजना देवी को सुकून नहीं मिलेगा अगर तुम उन्हें मिलने जाओगे? क्या वो ये आस लगाकर नहीं बैठी है कि ऋषभ भी उनसे मिलने आएगा? मैं भी चाहता हूँ कि मैं जाकर उनसे मिलूं, लेकिन क्या बताओ ना ऋषभ, क्या बात है? वो करण है ना, करण भी वहां मौजूद होगा, और मां की इस हालत में मेरा और उसका सामना शायद ठीक ना हो। ऋषभ तुम देखो, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा, मैं खुद चाहता हूं कि मैं मां के साथ जाके वक्त गुजारूं, लेकिन अगर करण मां के पास नहीं होता ना, तो मां के बीमार होने से पहले मैं मां के पास पहुंच जाता, उन्हें कभी बीमार होने ही नहीं देता। लेकिन ऋषभ, क्या कोई मां अपनी जिम्मेदारी में लेकिन का शब्द लगाती है? जब तुम बचपन में बीमार पड़े थे तो क्या रंजना देवी ने ये लेकिन का शब्द लगाया था? क्या आज तुम्हारी और करण की दुश्मनी अपनी माँ की ममता से ज्यादा बड़ी है? ऋषभ, ये दलील नहीं, सिर्फ एक बहुत बड़ा अफसोस है। नहीं रंजना, मैं तुम्हें भी अफसोस करने का मौका नहीं दूंगा, और माँ को भी अफसोस करने का मौका नहीं दूंगा। मैं उनसे मिलने जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, इन स्पाइट ऑफ करण। बताना शंकर, क्या खबर है? मैंने सुना फिर कभी टाइम लेगा, बताऊंगा मेरे को अभी। बता दो शंकर, हो सकता है इस खबर को सही जगह में सही कीमत में बेचने में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मेरे को अभी दारू बैठे मेरा गला, मैं जाता हूं। शंकर खबर बताओ, कम से कम ये तो पता चले कि कीमत कितनी है उस खबर की। अभी क्या है ना मेम साहब, ऐसा आवाज है तो मेरे को एडवांस में एक बॉटली कर दे तो मैं बताऊँ मेरे को चोट लग। एक बॉटल एडवांस की बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे महीने भर की दारू का इंतजाम कर दूंगी, खबर तो बताओ। एयर होस्टेस है, उसके पीछे करण साहब, दिनेश साहब दोनों भाग रहे हैं। कौन सी एयर होस्टेस? क्या क्या नाम है उसका? हाँ वो संध्या राव, वही जिसने वो अपने केशव साहब के नई वसीयत पे सिग्नेचर मारा था। तो क्या वो एक ही गवाह है मेम साहब? अभी देखो, अगर दिनेश शाह को वो पहले मिल गई तो सिल्वर स्टेट स्वेतलाना जी का, और अगर करण साहब के हाथ लगी तब तो केस हल्का हुआ ना, फिर तो ये सिल्वर स्टेट स्वेतला। मैम साहब मैंने आपको बहुत खबर दे दी, मेरे कमर मेरे को दारू का। रुको, नहीं किधर मैम साहब, और पैसे निकालती हूँ गाड़ी में। मेरे को बहुत चोट लगी, मेरा लग गया इधर, मेरा पैंट फट गया। एक मिनट मेरे को, एक बाटी ये भी दिनेश शाह की बहन निकली, अपने को चूना लगा के चली गए। शंकर लगता है कि आज अपना सितारा गर्दिश में है। अब बस कर सुनीता, बहुत हो गया, तू भी थक गई होगी। अभी कहाँ भीम साहब, आराम तो धीरे धीरे मिलेगा, अभी तो मैंने पैर दबाना शुरू किया है। अरे कहीं आदत पड़ गई तो बाद में मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल होती है तो हो जाने दो, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको कोई मुश्किल नहीं होने दूंगी। और मीम साहब, आपकी सेवा करके मुझे बड़ा सुकून मिलता है। पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ नहीं भोगा आपने, मैं तो आपके कुछ काम नहीं आ सकी, थोड़ी बहुत सेवा करूंगी तो मेरे मन को शांति मिलेगी। तूने और सेला ने जो इस घर के लिए किया है बहुत किया है, जब तुम लोगों को छोड़ना पड़ेगा तो जाने हम पर क्या बीतेगी। छोड़ना पड़ेगा मीम साहब, ऐसी बातें मत कीजिए, मैं आने वाले दिनों की सच्चाई बता रही हूँ सुनीता। वैसे तुमसे कुछ छिपा तो नहीं है, सब तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है, इस घर में पैसा आ ही नहीं रहा है और जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है।
अरे एक आध महीने के बाद तुम लोगों की पगार देने की हैसियत नहीं रहेगी तेरी मेम साहब की। तो मेम साहब आपको ये लगता है कि हम लोग सिर्फ पगार के लिए यहाँ रुके हैं? तुम लोग अपनी जिंदगी देखो, मैं तुम लोगों को अपने साथ अपने हालात में झोंक नहीं सकती। अगर झोंक नहीं सकती तो क्यों इतना प्यार दिया, क्यों इतना अपनापन दिया? मेम साहब पगार वाली नौकरियां तो कहीं मिल जाएगी, पर आप जैसी मालकिन हम लोग कहाँ ढूंढेंगे? मैं तुझे सलाह दे रही हूँ पगली। सलाह नहीं मेम साहब, ये तो आप सजा सुना रही हो, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। सुनीता ये फिजूल के जज्बात है, दौलत आज के दौर की सबसे बड़ी ताकत है। मेम साहब इस घर में रहकर मैंने तो यही सीखा है, जज्बात के सामने दौलत बिल्कुल बेकार है। कम से कम तू ये तो मानती है कि जिंदगी ने मुझे सबक ज्यादा सिखाए हैं। मीम साहब छोटा मुंह और बड़ी बात होगी, मैं मानती हूँ जिंदगी ने आपको बहुत सबक सिखाए हैं, पर आपकी जिंदगी देखकर मैंने ज्यादा सबक सीखे हैं। अब बताइए क्या जरूरत थी आपको मुझे पढ़ाने की? सिर्फ भावना ही ना मीम साहब, आपकी पगार नहीं आपका प्यार मेरी सच्ची कमाई है। लेकिन तेरा गुजारा कैसे चलेगा? उस काबिल तो आपने मुझे बना दिया है मीम साहब, दिन भर आपकी सेवा करूंगी और दोपहर में कुछ घंटे ब्यूटी पार्लर में नौकरी करूंगी। मीम साहब वैसे मेरी जरूरतें बहुत कम है, गुजारा तो बड़ी आसानी से हो जाएगा और मेरे बचत खाते में कुछ रुपए है अभी। ठीक है, मुझे भी अपनी दुनिया आबाद रखने के लिए मुट्ठी भर लोग तो चाहिए। अब तुम मेरा जलवा देखती जाओ देविका, और अपना आना जाना बढ़ा दो। क्यों आपकी नियत भी खराब होने लगी? तो मैं लेनिन के बारे में कह रहा था, अगर ये सूरज हमारे आकाश पर उग गया तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर अंधकार छा जाएगा। ताऊजी एक बात मैं समझना चाहती हूँ, आपकी ये जो मल्होत्रा खानदान के लिए नफरत है वो इतनी जबरदस्त है कि मल्होत्रा खानदान के दुश्मन भी आपको वफादार समझते हैं। अब आपकी ये जो नफरत है ये टाइम पास तो नहीं है, एक चाबी का खिलौना जिसके साथ आप खेलते रहते हैं? देखो देविका, जब से तुमने लेनिन का जिक्र किया है मैंने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के खिलाफ हर उठी हुई पुरानी तलवार की धार को तेज किया है और तेज करता रहा, और इस चक्कर में मैं अपने हाथ लहूलुहान कर बैठा। हाँ उससे मेरे जख्मों का दर्द कुछ कम जरूर हो गया है, और हाँ ये मेरा टाइम पास नहीं है, ये मेरे वक्त के पैरों में जंजीर है। चलिए अब भी आपका खून गर्म है। अच्छा केशव मल्होत्रा ने जिस तरह मुझे छला है, एक गधे के सामने गाजर लटकाकर जैसे उससे काम करवाया जाता है ना, वैसे ही उसने मुझसे काम करवाया, और 50% पार्टनरशिप का वादा करके अपना काम भी मुझसे करवाता रहा, और खुद उस श्वेतलाना के साथ अय्याशी करता रहा, और जब वक्त आया तो वो 5% की पार्टनरशिप मेरे हाथ में थमा दी। इस नफरत को इसी तरह ताजा रखिए ताऊजी। बाय द वे आपके लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है। क्या? शंकर जो कभी केशव मल्होत्रा फिर श्वेतलाना और बाद में करण का ड्राइवर रह चुका है, नशे में वो मुझे एक बहुत ही कीमती इंफॉर्मेशन दे गया। क्या है वो? केशव एक वसीयत लिख गया था जिसमें सिल्वर एस्टेट्स वो श्वेतलाना के नाम कर गया था। आजकल करण और लेनिन के बीच में ये होड़ चल रही है उस औरत का पता लगाने के लिए, एक एयर होस्टेस है वो जो इस वसीयत की विटनेस रह चुकी है और जो आने वाले कोर्ट केस में बहुत ही अहम भूमिका अदा करेगी। ऑब्वियसली नाम पता क्या है उसका? इंडिया में नहीं रहती। अगर वो जिंदा है तो दुनिया के किसी ना किसी कोने में तो रहती होगी, इसी आकाश के नीचे तो रहती होगी। अब तुम मेरी पहुंच और मेरे हाथ की लंबाई देखती जाओ, अपना वक्त बर्बाद मत करो,
तुम उस एयर होस्टेस का नाम और पता बताओ। समझा रहा हूं, कहीं वैंकूवर कनाडा में रहती है, कहीं पति अमेरिकन है, पायलट है। वाह ऊपर वाले वाह, तेरा भी जवाब नहीं। तेरे को ना मैं सलाम करता हूं यार। यार मेरे पास अगर एक तोप होती ना, मैं तेरे को तोप से सलामी देता। ले आया ना घुमा फिरा कर मेरे को उसी काले अंधेरे में, उसी बियाबान तन्हाई में अकेला कर दिया मुझे। सेम एज एवर, वही एवरग्रीन जख्म। लगता है तू मेरे को ना किंग बनाएगा, ट्रेजेडी का बेताज किंग। पर यह मैं पागल सोचता था कि दुख की हुकूमत खत्म हो गई है, ऐसा नहीं था ना। मैं जानता हूं क्या था, तो छुट्टी पे गया था क्योंकि इतने दिनों से मैंने दुख नहीं देखे थे। और अब तू वापिस आ गया है, और वापिस आते ही मेरा सोनू मेरी जिंदगी से आउट। सोनू ने बोला बाप निकल जा मेरी जिंदगी से। अपने बाप को टुकरा दिया सोनू ने, बोला मैं बिन बाप के ठीक करूं। रोनी तुम कब आए? सोनू तुम कहाँ हो? क्यों छुप रहे हो आंटी से? आंख में चोली मत खेलो सोनू, सामने आओ। खेलो खेल वो बच्चा नहीं खेलता है, खेल तो तूने खेला है इस घर से। तेरा ढोंग, तेरा दिखावा, तेरा खेल मेरे सोनू को निगल गया। सोनू बाहर आओ, आओ मत खेलो खेल। कौन से बाहर आएगा वो? जानती है वो कौन? जहां तूने फिकवाया उस बोर्डिंग स्कूल में। हुआ क्या है सोनू? है कहां? हुआ क्या है मैं बताता हूँ। हुआ वही जो तेरी मंशा थी। तू चाहती थी ना कि सितारा और सोनू एक दूसरे से अलग हो जाएं, हो गया अलग। सोनू ने खुद फैसला किया कि वो घर वापस नहीं आएगा। सोनू अपने बाप से अलग हो गया। मैं पूछता हूं मेरी क्या गलती थी कि तेरी और स्वेतलाना की दुश्मनी में मैं पिस गया? बता मेरे को क्या गलती थी मेरी? तुम मत लगा हाथ मुझे। इस घर की सारी खुशियां निकल गई है तू नागिन। अब क्या बचा है तेरी कुरा के लिए? क्या है मेरे को खा जाओ। सब कुछ जो चाहती थी हो तो गया, अब निकल जाए यहां से। क्या कहूं मेरी बात सुनो। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, तूने मेरे छोटे से सोनू के अरमान कुचले उसको दिल खोया है।